नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम वाटरमेलन की दो रेसिपीज़ तैयार करेंगे जिसमें आपको कोई कुकिंग नहीं करनी है और ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक मध्यम आकार का तरबूज और आधे तरबूज के अंदर का हिस्सा निकाल कर उसमें से बीज निकाल लेंगे। उसके बाद हम कटे हुए तरबूज को एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे और इसको बारीक पीस कर इसका हम जूस बना लेंगे। अब हमने तरबूज को ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है, इसका ढक्कन लगाकर हम इसे बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए, हमारा जूस अब बनकर तैयार है। अब हम एक मेसन जार में थोड़ी सी क्रश की हुई आइस डालेंगे, फिर डालेंगे नींबू के दो गोल कटे हुए टुकड़े। उसके बाद इसमें डालेंगे 7 से 8 पुदीना के पत्ते और चुटकी भर काला नमक। अब हम इन सबको जार में क्रश कर लेंगे ताकि पुदीना और नींबू नमक के साथ मिलकर इसी में क्रश हो जाए, ताकि इनका जूस बर्फ के साथ थोड़ा मिल जाए। इसे क्रश करने के बाद हम इसमें डालेंगे वाटरमेलन जूस। इससे हम जार को लगभग भर देंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ी सी आइस और डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और फिर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून शहद और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब सारी चीज़ों को हमने आपस में अच्छी तरह से मिला दिया है और ये हमारा सुपर टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार है। इसमें ना ही कोई एडेड शुगर है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स। चलिए अब वाटरमेलन सीड्स भी तैयार कर लेते हैं। जो तरबूज के बीज निकले थे उसे मैंने फेंका नहीं है, उसे मैंने बहुत अच्छी तरह से पानी से धुल दिया है ताकि इसमें से सारा तरबूज निकल आए। और धुलने के बाद मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से फैला लूँगी। ज़्यादातर घरों में जो हम सुबह की ड्रिंक पीते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ हम सीड्स भी भिगाते हैं, उसमें से एक वाटरमेलन सीड भी होता है और अक्सर हम उसे बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो बाज़ार से ख़रीदने की जगह अगर हम इसे धुलकर इस तरह से धूप में सुखा लें तो हमारा वाटरमेलन सीड भी तैयार हो जाएगा और इसमें भी कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं पड़े होंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। तो आज हमने एक ही चीज़ से दो रेसिपीज तैयार कर ली हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।